दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दीपक मोर। एट रेडियो नेटवर्क ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है और वो बड़ा खूबसूरत ऐप है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम ऐप पर आते हैं, सुनने को मिलते हैं। मेरे भी वहाँ पे दो कार्यक्रम हो चुके हैं। परसों मैंने एक कहानी मैंने पढ़ी थी, वो एक मेरा कार्यक्रम है कहानियों का बस्ता विद दीपक मोर। कल मैंने एक कार्यक्रम किया था, वो कार्यक्रम का नाम था मैनिफेस्टेशन, हैप्पीनेस, लव एंड मनी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने बड़ा प्यार दिया, बहुत तादाद में आप उपस्थित थे और आपको काफ़ी अच्छा लगा मेरा कल का कार्यक्रम, एट नेटवर्क रेडियो का ये कार्यक्रम। तो मैनिफेस्टेशन के दूसरे भाग में आज शाम को 8 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। और कल हमने बात की कि किस प्रकार से आप अपने आसपास चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि किस प्रकार से यू कैन अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड हाउ यू कैन अर्न हैप्पीनेस, किस प्रकार से खुशियाँ कमा सकते हैं। मैं पेशे से अभिनेता हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, कहानियाँ कहता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। बट ये जो मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, हैप्पीनेस की, ग्रेटिट्यूड की जो बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिसनर भी हूँ, आई प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन, आई डू मैनिफेस्ट थिंग्स। मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, आई नो हाउ टू अर्न हैप्पीनेस, आई नो हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ, आई नो हाउ टू अट्रैक्ट हेल्थ, मनी। यस, ये यूनिवर्स जो है सब देता है, बट इफ यू प्रैक्टिस इन ए राइट वे, इन ए गुड वे। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब रहता हूँ, कुछ नहीं मिलता, बहुत गरीब होता जाता हूँ। आपने देखा होगा वो हमेशा गरीब ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत थोड़ा सा पैसा भी होता है, बट वो उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो खुश रहते हैं, उनको लगता है कि ओके थैंक यू सो मच, मेरे पास 10 रुपए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, आपको वाकई मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आज शाम को 8 बजे ज़रूर मिलना एट रेडियो नेटवर्क पर। इसका लिंक ऐप का मेरे इंस्टाग्राम के बायो में है, तो ज़रूर आपका इंतज़ार रहेगा और उम्मीद है आपको बेहद मज़ा आएगा, मुझे भी आएगा। थैंक यू, मैं इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया।